नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपको स्वागत करछु मु दुर्गाशीष सत्यर कंठरोध पई पूरी उद्यम हेछि पुरी रे जतेबेले कि अर्गस रा प्रतिनिधि आलोक आशुतोष एवं अर्गस रा कैमरा पर्सन समीर का ऊपर आक्रमण हेछि बडदांड ऊपर एवं एक कथा हेछि जे जतेबेले दुर्नीतिर पर्दाफाश होछि जो मानकर स्वार्थ रे हनन होछि सेमाने अर्गस रा विरोधी होछंती एवं अर्गस को आक्रमण करुछंती बहानगा वीडियो भी आक्रमण करथिले मोबाइल भांगी देले एपर्यंत मोबाइल मिली नाही ता पूर्वर कालुचरण ऊपर अटाक होता ब्रह्मगिरी आम प्रतिनिधि ऊपर ये बारंबार घटना अस्तरंग भी आदित्य आम रिपोर्टर तक आक्रमण होता यही होम लोक खबर देखा लोकों सहित रोचु आ जो मैंने लोकों स्वार्थ को हनन करुंचमें विरोधी हे ये देखते ये पूरी दृश्य फुल स्क्रीन कर देखु जे कोभली भाव आक्रमण हो सबुठ बड़ विड़म्बना से पुलिस कर्मचारी उपस्थित अच्छा एवं सेमान को उपस्थिति रे आक्रमण एवं याठु बड़ विड़म्बना आउ कौन है परे जतेबेले कि पुलिस उपस्थिति रे गणमाध्यम रो प्रतिनिधि को उपरे आक्रमण होउछि आपण देखंतु ए दृश्य ये आम कैमरा पर्सन एवं आम प्रतिनिधि को उपरे आक्रमण होउछि एवं जे आक्रमण करिसंती काही के आक्रमण करिसंती ए बड़ प्रश्न जे खबर प्रसारण करिबुनी लोकों कथा देखेबुनी तमें जहाँ कह से देखेबु ये जगवाली मीडिया नुह ये लोकों मीडिया ये गणमाध्यम अर्गस हो साधारण जनतार गणमाध्यम तार स्वर को सामना को आणवार दायित्व आमर ये विकास ये जो मैंने विकास सीढ़ीर सबुठ तले अच्छा आम से प्रतिनिधि आपण आम उपर आक्रमण करतु किंतु ये स्वर दबिबनी ये सत्यर संधान जारी र कारण ये लोकों कथा ये साधारण जनता कथा पुरीर आक्रमण को देखु आपण विभिन्न समय पुरीर विभिन्न दुर्नीतिर पर्दाफाश हो बड़ बड़िया मुखा खोल जा बोध हुए से जो मान स्वार्थ हनन होने काम करम सहित अच्छा पुरीर मो सहयोगी विभूति राणा जोड़ी होती विभूति प्रकृत घटना कौन पुलिस उपस्थित में माड़ आम प्रतिनिधि आ कैमरा पर्सन को पूरा घटना जानापी चाहिए विभूति पुरी श्रीकत धाम पवित्र धाम माड़ हो गणमाध्यम को आक्रमण होक्रमण करे जड़े आतताई भले आसी आक्रमण कले आड़ मारे सहित तुम्हें लुट कले कैमेरा पर्सन समीर आलोक आलोक आशुतोष नायक जे रिपोर्टर अच्छा अर्गस प्रतिनिधि आक्रमण कले ये हूँ निंदाजनक घटना जी निंदा कले कम हो बारंबार आक्रमण हो पुरी में बारंबार पूर्व गणमाध्यम आक्रमण होता है सीधा सख आलोक समस्त जोड़े कथा कि भाव कौ मैंने आतर्कित आक्रमण कले आलोक देखो आम जिते बड़े खबर प्रसारण करी आसुलु मोची श्रीमंदिर टू मोचीसाई छक आड़ को जाऊँ से जड़े आसला इला जो व्यक्ति जनक अच्छा सी सीधा सख हाथ उठेल और गाड़ी आम कोड़ी रु तीस फ्लोर थी गाड़ी सहित आम घोषाड़ी पड़गलु यापर सी मत अतर्कित आक्रमण कले और मो कैमेरा पर्सन समीर को आक्रमण कले कैमेरा भांगे और मोर सुना चेन लुट कर नहीं आम जो जानवाक चाहिए कौन पर आपको आक्रमण कर सी कहे तुम्हें आम न्यूज कौन पर आम पचारे आम कौन से निर्दिष्ट न्यूज कर जदि आम कि न्यूज कर देखा सी से समय न्यूज टू देखे सक्षम हो पारे ना जिते बारे से आहरी उत्क्षिप्त हेल्ला आमको अतर्कित भाव आक्रमण कैसे जहाँ फल दुई जन गुरुतर आहत हो आक्रमण कारण कौन थी कहीं आगे आपको धमक देते कौन चिन्ह परिचय थी नहीं से आमको कौन से प्रकार चिन्ह परिचय ना किसी ना आमको आगुआ किसी धमक दे ना कि ना कि हटात इंटेनसनाली गणमाध्यम उपर आक्रोश होती कारण गणमाध्यम जो भाई भाव में सदा बेले सत्यर उन्मोचन कर दायित्व संपन्न गणमाध्यम हिसाब से पूरी सहर जिते भी कर्तव्यरत सांबादिक अच्छे समस्त दायित्व संपन्न गणमाध्यम हिसाब से कर्तव्य कर जदि किसी इनसीडेंट होती तो सीटा कहार ना हटात एमती उत्क्षिप्त हो ना तर बड़ कथा होती जिते बारे से आमको कहे तुम्हें आम न्यूज करें कहलु आम आपर कौन न्यूज कर देखा से आमको से प्रमाणटी देखे पार नथिले कि आमे कहि परबा इंटेंशनली गणमाध्यम प्रतिनिधि को आक्रमण होउछि बारंबार आक्रमण होउछि राज्य सरकार आईन आणुनाथि को पई सेटा होउछि सबटु बड प्रश्न कोन को डैमेज हिजि नष्ट कोन हिजि नष्ट हिजि कैमरा हमर संपूर्ण भाबे नष्ट होइ जैछि मोर सुना चेन मधे नै जैछन्ति हम कैमरामैन को सिवियर बाडी छन्ति मते मधे गुरुतर भाबे बाडी छन्ति जा फलर मोर आंठु मधे सिवियर डैमेज हिजि एवं एक्सरे मधे हबो आंठु निहाति भाबे कहि परो या लज्जाजनक घटना कर्तव्यरत सांबादिक को जे भले भाबे आक्रमण करा जाउछि दिन दि परे क्षेत्र बली संवेदनशील जगह रे श्रीमंदिर पाखरे निश्चित भाबे पुलिस सन्न पारियापणिया तो प्रश्नवादी सृष्टि होती कारण पुलिस दुई जन होमगार्ड से आमको आक्रमण हवा समय होमगार्ड दुई जन देखुले कि छड़े को साहस करते निश्चित भाव में अत्यंत दुखदायक घटना ये देखते दुर्गाशीष ये पुलिस होमगार्ड थी आक्रमण हो
बीच रास्त दिन दीपर माड़ हो जहाँ गणमाध्यम जी लोक कथ उठे जी दुर्नीति कथ उठे जी लोक दिन रात 24 घंटा कम कर आक्रमण करापाई कौन सुरक्षा नहीं आउ किसी जो पूरीर सांबादिक मैंने अच्छा जो मैंने कर्तव्यरत सांबादिकस्था जोड़े प्रतिक्रिया दौरान एफआईआर दि जाए टाउन थाना और कार्यानुष्ठान ने दावी आज्ञा कौन कह आपने फिल्ड में कम करते आज घटना को किभली देखुं और कौ भाई आक्रमण कर गणमाध्यम को देखो यही घटना को तो संपूर्ण भाव में आम निंदा करुच्छू कहीं गणमाध्यम प्रतिनिधि मैंने भी जहाँ सूचना देते जाग्रत परिवार दिन रात कम कर पुरी सहर से विभिन्न क्षेत्र में कम कर आक्रमण अति निंदा निंदनीय कह गले चले कहीं पूर्व सांबादिकपरी आक्रमण घटी से कौन कार्यानुष्ठान सफल भाव में रखा जापारी कि कार्यानुष्ठान तो आम आशा करूँ पुलिस प्रशासन निश्चित भाव यह पदक्षेप नब ए दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर मुझे आपको ये सूचना देवाई चाहिए जो लोग आक्रमण करते हैं भांग भांग बिकाली एवं जहाँ मुझे पुलिस सहित भी सीटी डीएसपी सहित कथा होती जहाँ सूचना पाई जे सी 2017 मसीह गोटे कौन केस होता है सी बेपर भाव में जो जे मरणात्मक आक्रमण कर आलोक को जी आक्रमण कर सीए मरणात्मक आक्रमण करा जे पूर्वर गोटे 2017 मसीह गोटे गाड़ी बेपर भाव में गाड़ी मद निशा पीक गाड़ी चलाउला और पुलिस भी से गाड़ी की सीजर करता जबत करी पुलिस की फरवर्ड करता कोर्ट को कितु दुखर कथा जे ये संपर्क खबर कागज हो किंबा गणमाध्यम प्रतिनिधि न्यूज करवा तो साधारण कथा कहीं जबली भी घटना घटे घटना को सदा बेले सांबादिक मान नजर रखता थे किंतु आलोक यही संपर्क में न्यूज भी गणमाध्यम प्रतिनिधि हिसाब से न्यूज करते किंतु अन्य केस न्यूज कर सांबादिक मानू अतर्कित भाव में रास्त जाऊ दोलमसाई जन्मुंडिया छक जो आक्रमण करागला से साइरे एवं ता बाप भी पुलिस भी गिरफ करछि ता बाप भी संपृक्त ता बाप बुढ़ा हेलानी सी भी वर्तमान को 10-15 जावड़ा तले पकईकि समीर कि आप कैमरा पर्सन जे समीर ताकू बाड़ी आलोक को बाड़ी आम माने पूरी सांबादिक समकक्ष दृढ़ निंदा करूँ और विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने पुलिस निकट में दाबी करूँ अभियोग भी अपेक्षा करूँ पुलिस ए दिगरे कौन पदक्षेप नौ जदि सठिक पदक्षेप नान जाए तेज आग को मध्य सांबादिक माने परिसर आंदोलन को उन्हें लेबे एवं सांबादिक माने किभली और न्याय पाए से नहीं पदक्षेप ने पूर्वर आपको गणमाध्यम हिसाब से प्रतिनिधि काम देते आप आक्रमण होता है जिते बालुखंड आक्रमण होता है सेनसीटिव क्या गणमाध्यम सुरक्षा क्या था यह घटना किभ दौर आलोक को किभ भाव आक्रमण कला पुलिस होमगार्ड थी दिन दीपर पुरीर बीच रास्त माड़ हो निहाती पक्षे मुझे कहबी जो कर्तव्यरत सांबादिक को माड़ मार ये तो गोटे दुर्भाग्यर विषय सब बड़ कथा दुईज पुलिस जो होमगार्ड से ड्यूटे थी सामने गोटे कर्तव्यरत सांबादिक माड़ मार ये निहाती पक्षे गोटे पुलिस पारिबा पणिबा पर प्रश्न सृष्टि होनेपटे कह बारंबार एभली भाव में श्रीक्षेत्र में सांबादिक मानक आक्रमण करवा निहाती केउटे ना केउटे पुलिस उपर जिला प्रशासन उपर गोटे अंगुली निर्देश कर सीधा सड़क भाव आम दोषी दौ पुलिस दुई कर्मचारी थे कहीं अटकैले से समय आलोक को जितने माड़ है से समय कहीं अटकैले सबुठ बड़ कथा है जेहेतु से बर्तमान सुधा ता बापा केवल पुलिस उठे किंतु बर्तमान सुधा से कहीं से जो अन्य माने जो आक्रमण करते से कहीं पुलिस बर्तमान सुधा आनी पारिनी ता गोटे बड़ प्रश्न आस सब बड़ कथा है जेहेतु से किए न्यूज कर माड़ मार ये सब बड़ कथा और सबुठ कहीपर जो पुलिस पारिपणी प्रश्न आसूँ कहीं दुईज जो होमगार्ड से निजुक्ति ट्राफिक उपरते कहीं अटकैले जहाँफल कि कर्तव्य सांबादिक माड़ है दुर्नीति प्रसंग करवा कौन लोक समस्या उठवा लोक मान कथ प्रसंग उठवा ये कौन टार्गेट कर सांबादिक निहत पक्षे आम तो जहाँ आज देख लु जी किए जी दुर्नीति जी प्रश्न सृष्टि कर दुर्नीति रोकूँ और जे सांबादिकर कर्तव्य हूँ जे जे दुर्नीतिर अफिसर को रास्ता को आणवा और दुर्नीति को रोकवा जी ताफल जे कर्तव्य सांबादिक माड़ खाइब याठू लज्जाकर कौन किसी ना प्रथम तो कह गए शांतिप्रिय जगार भाव में कर्तव्यरत सांबादिक माड़ मार ताठू जिला प्रशासन पर किसी लज्जार खबर नुह पुलिस प्रशासन सबुठ बड़ कथ दुईज जो होमगार्ड से कार्यरत अच्छा
ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଡ଼ ପଡ଼େ, ଇଏ ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାକର କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିନି, କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତା ବାପାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ୍ୟାମେରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାଡ଼ ପଡ଼େ, ତାପରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଇଏ ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଇଏ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ କ'ଣ କହିବେ? ଦୀର୍ଘଦିନ ପୁରୀରେ କାମ କଲେଣି, କିଭଳି ଭାବେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଉଠିବା, ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଉଠିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗଣକୁ ନାଲି ଏଖି ଦେଖାଉଛି, ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି, କ୍ୟାମେରା ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ପ୍ରତିଟି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମଟିଏ ତାର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ବିପଦକୁ ଆପଣେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବେ ସମାଜସେବା ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାଏ ତାକୁ ଏଭଳି ଆଟାକ୍ କରିବା ଏବଂ ତା କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିବା, ତାକୁ ମାର ମାରିବା ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିବା, ଏଇଟା କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଆଶା କରୁଛୁ କି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତିଟି ସାମ୍ବାଦିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ, କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଗୁସର ଟିମ୍ ଆଲୋକକୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ତା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସମୀରକୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ପୁଣି ତା ସହିତ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ ସମାଜ ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଏମିତି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ, ଯଦି ତା ଜୀବନ ଚାଲିଥାନ୍ତା ତେବେ ତା ପରିବାରକୁ କିଏ ଭରଣପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ କଲ୍ପିଟମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ, ନିର୍ଦ୍ଧମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଏକ ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆସୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରୀ ସହରରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଲାନି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଏଥିନେଇ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ କହିବି, ଦାୟୀ କରିବି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସେ ତାକୁ ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ ୱାରେଣ୍ଟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ, ଜାମିନ ବିହୀନ ଫରୱାନା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛୁ, କି ଯେହେତୁ ଶିକାର ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଗ୍ରସର ଶିକାର ହେଉଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିଚ୍ ବଜାରରେ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ଥାଇ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏରିଆ, ତେଣୁ ସେ ଏରିଆରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଅଛି ଏନ୍ରେ, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକ୍ରମର ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା। ପୁନର୍ବୃତ୍ତି ନ ହଉ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆକ୍ରମଣ ନ ହଉ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଉ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା କହିଯାଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିପଦରେ ଅଛି, ଯାହା ପୁରୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ହେଉଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ଧମକ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଉଠିବା, କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଣ୍ଠରତ କରାଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପ୍ରଥମତଃ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଏ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ସେ କୋରାପୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଉଛି, କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ଅନେକର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜିର ଘଟଣାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ କଣ୍ଠରତ କରାଯିବ କି? ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ କି? ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ।
से जेकोसी स्थल को जाकर कम करबले सजग प्रहरी सदृश रही है। आज जो भी भाव में देखा जा राज्य विभिन्न स्थान में गणमाध्यम को गोटे आक्रोशमूलक भाव आक्रमण करा करूँ आउ थे कहवापी चाहिए गणमाध्यम पर आक्रमण कौन परिस्थित ग्रहणीय नुहे गणमाध्यम तार दायित्व सब निर्वाह करस लोकों पर आम कम कर सर्वदा लोकों पर कम कर दबी जबार ना कि डरी जबार ना दबार ना डरबार ना गणमाध्यम काम करुच्छू आमको आक्रमण करा जो भी भाव आम कैमेरा पर्सन थे समीर जी अर्गसर प्रतिनिधि बुलीर तुम्हें किभली भाव आक्रमण कराइला तर सीधा सख से कहे किभली भाव आपको मरणातक आक्रमण करते सर आम आड़ जाऊँ ड्यूटी सारिकी हटात आसे डायरेक्ट गाड़ी हैंडेल टाक धरी पकड़े आम पड़गलु मुझे कौन भाई हटात कहीं एमती गले तार डायरेक्ट आलो कहीं अटाक कले मत मारे मत कैमेरा सहित मतलब टिके तले कसीदे तापर मो छाती में ठिया होगले मोर गोटे रूपा चेंज थी ताक भी नहीं गले आलो कहीं पिटू था मत पिटू मुझे जिते छोड़ था मत पिटू था मुझे सर जापरि जो सांबादिक असुरक्षित ये समाज में लोक न्याय पाए कौन समीर तुमको आक्रमण कर कारण कौन थी कौन से आक्रमण कले कौन से कहीकि आक्रमण कले सर खाली कहता आम भांग दुकान अच्छी गोटे पर्स न चलो तुम न्यूज कर आम ना गोटे मानते अभास भाषा गाड़ी बंद करता गोटे पाला चलो गोटे तुम गोटे मीडिया भिडिया छड़ू बाडे मारिदे तुम काग तक खाली लोक से अलग लोक टी थे होमगार्ड भी थे दु तीन जन से भी छड़ ना था बाध्य दु तीन जन लोक डाबी सी तरह हछड़ा छड़ी गल ना तो मारी था मारे योजना पचर कह हाथ थी सन्देह करो मैंने आक्रमण भी षड्यंत्र करते पारती कि ये बलिका बकरा तुम चढ़े मानते जो भांग दोकानी पचर कहार हाथ प्रच्छन्न रही आक्रमण मरणात कले किसी प्रभावशाली लोक जी इस्तेमाल करके अटाक करते हैं आम सब न्यूज कर निरपेक्ष न्यूज टाइप कला सब अटाक करते डाउट रो सत कहले लोक माड़ मार ये हूँ गणमाध्यम को आक्रमण कर दिन दीपर पुरीर आक्रमण कला जे अर्गसर प्रतिनिधि आलोक आशुतोष नायक और समीर जे कैमेरा पर्सन किभली भाई कहते हैं दही चकटी गले छाती पर मारीगले माड़ मारे चेन लुटा गला कैमेरा भांगीदे जो भी भाव आक्रमण कला ये कौटना कौटी निंदन घटना अति निंदन घटना किभली देखते पुलिस कार्यानुष्ठान किभली हवा दरकार नाई निहाती पक्ष आम श्रीक्षेत्र सांबादिक पक्षर यही घटना को दृढ़ निंदा करुँ गोटे दुख आउ लज्जार घटना पुलिस कौन कार्यानुषान पुलिस कर्मचारी सामने का सांबादिक आक्रमण करगला दुईज पुलिस कर्मचारी सेठी ढाई सामने जो आक्रमण कर कर्तव्य कौन थी से निहाती भाव से सुरक्षा देवार कि हसुते देखिकी जहाँ भिजुआल आम पाखे अच्छी पूर्व आक्रमण शिकार होर्व मुझे जाणी केमी कौ कौ स्तर केमी आक्रमण कराए तो गोटे जिनस सांबादिक को केते जन सांबादिक को आक्रमण कलापर राज्य सरकार ने पदक्षेप केते जन सांबादिक प्रोटेस्ट कलापर राज्य सरकार दिग्वे दृष्टि देवे गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि केवे आम सुरक्षा पाइबू जदि आम सुरक्षित नुह तबे समाज कौन सुरक्षित रमें तो सब समाज पाई ही कम करोटी भल है कौटी मंद है खबर आम प्रसारण करमको देखापुर से ही सरकार सचेतन हो पुलिस विभाग सचेतन होती तेज कहीं आम प्रति सुरक्षा दि जाऊनि कहीं आमको सुरक्षा दि जाऊनि तेज जदि आम सुरक्षित नुह तेज समाज भी सुरक्षित नुहे तेणुक निहाती पक्षे राज्य सरकार आहपर निहाती पक्ष दृष्टि देवा दरकार ये हूँ गणमाध्यम आक्रमण अर्थात साधारण लोक तह स्तर लोक जे जहाँ न्याय लड़े करज पर त्याग कर भल मंद बुझ छाड़ी जाइंट लोक कथा उठवा लोक प्रसंग करवा दुर्नीति उठेबा जो तह स्तर लोक तारी कथा को आने उत्थापन करवा आपर कंठरद आक्रमण कर मरणातक आक्रमण कर कौन कह भाई किभली भाव जो घटना घटला आज घटना जो दिन दीपर आक्रमण कला गणमाध्यम को कौन देखते आप देखु आम गणमाध्यम ही कहा जाए मिरर जोटा कि समाज मिरर बिल कह जाए आम कौन करूँ ना प्रति समस्या को आगू आणुतापुर जो आक्रमण टी संपूर्ण भाव यह लगुच जी भी से भांग दोकानी तर चोराचालाण होता कौन सी सांबादिक से सन्देह हो मिछरे हो सतरे हो जो आक्रमण टी कर सांबादिकों ऊपर ही करेंगे अग्नि।